में उसका लिंक शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग सब फॉलो करना और मुझे ढेर सारा डीएम करना। मेरी प्यारी सब्सक्राइबर है गुनगुन, जिसके साथ डीएम में मेरा ढेर सारा बातें होना बस शुरू ही हुआ है। आप लोग भी ये अकाउंट फॉलो करना और मुझे ढेर सारा डीएम करना। हम सब मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये द इमॉर्टल लव का चैप्टर 12 है। चैप्टर 11 में हम लोग देखे थे शुगा जिमिन के सामने अपना फीलिंग्स कन्फेस करता है और अदर साइड टी को कडल करके एक स्वीट सा अपना रात स्पेंड करते हैं। तो ऐसे करके ही स्टोरी का फोर्थ डे फिनिश हो जाता है। आज स्टोरी का फिफ्थ डे स्टार्ट होता है, मतलब इस स्टोरी का फिफ्थ डे स्टार्ट होता है। ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डे है, ठीक है। आप सब अच्छे से देखो और एंजॉय करो और डे हमेशा ख्याल रखना, ठीक है ना। मैं बार बार ऐसे पॉइंट आउट कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं द इमॉर्टल लव चैप्टर 12। ओह मेरी प्यारी सी मोची कितना प्यार से सो रही है। जिमिना बेबी उठ जाओ, देखो सुबह हो गया है, उठो। लास्ट नाइट को तुमने मुझे तोड़ के रख दिया है शुगा, और अभी उठा रहे हो। I'm so tired ना शुगा, मुझे आज कॉलेज नहीं जाना। सोने दो मुझे। बेबी तुम ही तो डिमांडिंग हो रही थी, अभी सिर्फ मैं ही कल्पित हूँ। हाँ वैसे मुझे पता नहीं था मेरी क्यूट पफ बॉल इतनी अग्रेसिव हो सकती है। हम तुम्हारी पार्टनर हो तो टक्कर की तो होनी चाहिए ना। ठीक है बाबा अब उठो, मुझे घर भी जाना है ना, मैं डायरेक्ट तुमसे कॉलेज में मिलता हूँ, ठीक है। ओके लेट मत करना। बाय हनी। ब्रेकफास्ट करके ये पेन किलर खा लेना, ठीक है, इससे पेन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। ओके पापा मैं समझ गई, अब तुम जाओ। ओ माय बेबी पेन रिड्यूस होगा तभी ही तो नेक्स्ट इवेंट में मजा आएगा, है ना। आयुष ये पावर जॉब। बाय बेब। आयुष ये लड़का कितना शेमलेस है। But I love him so much. लेकिन मुझे शुगा को सब कुछ बहुत जल्द बताना पड़ेगा, वरना वो मुझे गलत समझेगा। और कल रेड फुल मून भी है, मुझे खुद पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्या शुगा सब कुछ जानने के बाद भी मुझे एक्सेप्ट करेगा? I can't live without him. He is my whole universe. पता नहीं क्या होगा। I'm scared. As usual, चंगुक चला गया। रोज मुझे बिना बताए चला जाता है। कोई नहीं, आज कॉलेज के बाद पूरा दिन चंगुक सिर्फ मेरा। चल पेपे जल्दी से रेडी होके कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। शांग कल पूरा रात आप कहाँ थे? मैंने आपको बहुत ढूंढा। वो जंगुक मैं जिमिन के साथ उसके घर पे था, कल मैंने अपना फीलिंग्स उसे कन्फेस कर दिया है। नाउ अब सब कुछ ठीक है हमारे बीच में। वाओ यांग वाओ कांग्रेट्स, आपका न्यू लाइफ आपको मुबारक हो। हाँ
सही बात है जंकुक, थैंक यू। किसी को मत बताना प्लीज। शुगा, कल के इंसिडेंट्स के बारे में तुम कुछ सफाई देना चाहोगे? हाँ, नो मॉम, मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया, वो बस हमें गुमराह कर रहा था और कुछ नहीं। तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो? खुद को ज्यादा लायक समझने लगे हो? हाँ डैड, कल रेड फुल मून है, हमें कल ही सब कुछ पता चल जाएगा। इसके लिए पहले से अपना दिमाग खराब क्यों करे? एक ही तो दिन की बात है। और मॉम, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं बाहर ही ब्रेकफास्ट कर लूंगा। जंगकुक, तू चाहे तो आराम से आ, लेकिन मुझे कुछ काम है, मैं अभी जाता हूँ, बाय। कल पूरा रात कहाँ थे ये भी क्या अलग से तुम्हें पूछना पड़ेगा? शुगा, तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होते जा रहे हो। सॉरी डैड, मैं नहीं बता सकता, समय आने पर मैं सब कुछ सबको बता दूंगा, लेकिन अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय मॉम। देखा जीनू, ये लड़का कितना आर्ग्यू करने लग गया है, मुझे डर है ये सब की वजह से ये मुसीबत में ना पड़ जाए। जंकुक, मैं तुम लोगों का ब्रेकफास्ट पैक कर दी हूँ, ठीक है, ये लो और शुका के साथ ही रहना। ओके मॉम, बट आज कॉलेज के बाद मैं देख के घर पे ग्रुप असाइनमेंट के लिए जाऊंगा, तो रात को घर नहीं आऊंगा। ओके, बट अपना और ते का ध्यान रखना, ठीक है? यस मॉम, बाय डैड। हाँ जूनी, अब मैं तुम्हें तुम्हारा सारे सवालों का जवाब देती हूँ। जूनी, शुगा एक बेंजर है और वो भी स्काई बेंडर। बचपन से ही हर मुसीबतों से फाइट करना उसे आता है। तुम्हें याद है ना, जब वो सिर्फ 15 साल का था तब पहली बार उसने वार में हिस्सा लिया था। उसे पता है सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना होता है। तुम्हारे बाद इस थ्रोन पे शुगा का ही पहला हक है, और तुम्हें तुम्हें पता है शुगा ये डिजर्व करता है। उस पे भरोसा रखो जूनी, प्लीज काम डाउन। मैं शुगा और जंकुक पे खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ जीनू, और मुझे पता है शुगा हमारा अगला किंग है और ये वो डिजर्व भी करता है। लेकिन कल के इंसिडेंट्स के बाद मैं डर गया हूँ जीनू, मैं डर गया हूँ। मैं पावरफुल हूँ, किंग हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक फादर हूँ। मुझे मेरे दोनों बेटों का बहुत चिंता होता है जीनू। तुम सोच के देखो, शुगा का ऐसा बिहेवियर चेंज होना, इट्स नॉट नॉर्मल। वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता, यू नो ना? आई नो माय किंग, चिंता मत करो, हमारे बेटे बहुत समझदार हैं। और शुगा ने तो सही कहा है, रिटफुल मल तो कल ही है, कल ही हर चीज का पता चल जाएगा, तो बेकार में अभी चिंता करके क्या फायदा जूनी। और तुम इतना चिंता मत करो, ऑफिस के लिए जल्दी से जाओ, और हाँ, और आज जल्दी लौटना, ठीक है? क्यों, आज कुछ है क्या? मैं फिर से कुछ भूल रहा हूँ जीनू, प्लीज यार मुझे मारना मत, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, और मैं तुम्हें हर बात पे मारती नहीं हूँ, ठीक है ना? तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो आजकल, बस मेरा मूड अच्छा है। डैडी? हाँ डैडी, रियली बेबी, यू वांट सम केयर फॉर मी? व्हाई नॉट डैडी। तुम कहो तो आज घर पे ही रुक जाऊं, because you want me ना बेबी? कोई जरूरत नहीं है डैडी, I will wait for you. बेबी, मैं आज रात को अश्योर करूंगा कि तुम 1 week तक ठीक से चलने के हालत में ना रहो। जूनी, गो। Bye babe, see you soon, very soon. मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सच में? Aww, I miss you too, cat boy. हाँ, यंग, आप और रोमांस? Oh God, इसका आदत डालने में तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। दफा हो जाए यहाँ से, डिस्टर्ब मत कर। कौन आने को बोला है यहाँ पे? तू जाना अपने बेबी के पास। यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे डिस्टर्ब मत कर, भाग यहाँ से।
बेबी चंकू तुम्हारा नो नो दे नो यॉन्ग तो तुम्हारा ही बात कर रहे हैं, इसे गलत मत समझना। क्या यॉन्ग, आप मेरे यॉन्ग हैं या दुश्मन, समझ में नहीं आता है कभी कभी। ओ ऐसी बात है क्या? ओ ते ब्लैशी ब्लैशी हाँ हाँ चिमिना ऐसे मत करो। जंकुक तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना, आज पूरा दिन तुम मेरे साथ रहोगे। क्या बट ये नहीं नहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये नहीं तो बहुत रिस्की हो जाएगा। क्या करूं क्या करूं? हाँ शुगा चलो ना हम सब मिलके आज पूरा दिन फन करते हैं, मूवीज देखने चलते हैं, नहीं तो कैरियोके या फिर शॉपिंग। प्लीज गाइस चलो ना, मुझे बहुत मन है, आज पूरा दिन मैं अपने मेरे सबसे अच्छे दोस्त लोग के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। प्लीज चलो ना गाइस प्लीज। हाँ बेबी चलते हैं, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना लव बर्ड्स? नहीं यॉन्ग मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आते चलो ना प्लीज। लेकिन प्रॉमिस का क्या? बेबी हम साथ में ही तो रहेंगे है ना। बट मुझे तुम्हारे साथ लोनली टाइम स्पेंड करना था जंकुक। बेबी और चलो ना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ओ जी मीना तुम भी ना। ठीक है चलते हैं, मैं राजी हूँ। दिन चारों कॉलेज फिनिश होने के बाद पूरा दिन बहुत मस्ती करते हैं। जंकुक तुम ते को घर ड्रॉप करके अपने घर चले जाना ठीक है, मैं जिमिन को घर छोड़ के फिर घर जाऊंगा। ओके यॉन्ग बाय बाय चलते हैं फिर। चलते आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था जिमिना, मैं अपना फीलिंग्स कन्फेस करके बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता जिमिना। आई नो बेबी तुम इतना सोचो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी शुका, बस और थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज। मैं तुम पे गुस्सा हूँ, तुमने अपना प्रॉमिस नहीं रखा जंकुक। बेबी मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही तो था। नहीं सिर्फ मेरे साथ तो नहीं थे ना। ओह माय क्यूट बेबी, पूरा दिन नहीं था तो क्या हुआ, पूरा रात रहूंगा ना। सच में तुम आओगे? हाँ बिल्कुल आऊंगा, मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं अपना काम फिनिश करके जल्दी आऊंगा, मेरा इंतजार करना ठीक है। कौन? इट्स मी बेबी। ओह तुमने तो मुझे डरा ही दिया था जंकुक। सॉरी बेबी, एक्चुअली अपन का स्टाइल ही ऐसा है। इडियट। एंड दिस इडियट लव्स यू सो मच। छोड़ो भी मुझे जंकुक, क्या कर रहे हो? हाँ आज मेरा छोड़ने का मूड बिल्कुल भी नहीं है बेबी। तो फिर क्या करने का मूड है? हाँ I'm hungry baby, I want to eat you. Like a girl, she got married to a boy like you. She kick you out if she ever ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Oh, he left his kids.
see I can daddy you, but need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. I love you, Te. I love you too, Jungkook. Shirley, लेकिन तो आज की स्टोरी बस इतना ही. आज इस स्टोरी का फिफ्थ डे फिनिश होता है, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. और कोआला का इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, उसको भी फॉलो कर देना, ठीक है? तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सरंगेओ, बाय बाय. I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow.